सबको प्रणाम और शुक्रिया <laughs> दोस्तों भगवान भगवान का अर्थ से प्रेम प्रेम कैसे कैसे करें करें ध्यान क्या क्या है कर्म कैसे प्रेम क्या है हम संसार में क्यों आए हैं साथ ही रेकी काउंसलिंग और बहुत सारी चीजें जो है आज हम इन सारी बातों की जानकारी ऋतु मैम से लेंगे ऋतु मैम मैं सबसे पहले तो पूछना चाहूंगी कि आप अपना परिचय जो है हमारे दर्शकों को दीजिए जी धन्यवाद मैं रितु सिंह चौहान एज प्रोफेशनल मेरा रेकिस्ट हूँ मैं और अभी हाल ही में मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है मेरा स्पिरिचुअल टॉकर विथ रितु सिंह चौहान एंड एज़ वेल एज़ मैं काउंसलर हूँ मेरा बेसिक नागपुर में ही मेरा बॉर्न एंड रोटअप हुआ है और फैमिली बैकग्राउंड जो है आध्यात्मिकता और साधु संतों के साथ ही ये बीता है जबकि पापा पुलिस ऑफिसर थे और मेरा शादी भी नागपुर में ही हुआ और मैं इस फील्ड में बेसिकली बाय नेचर ही शामिल हूँ यानी अंदर से ही मुझे जी। ये अध्यात्म का पूरी तरीके से लगाव है तो मैं इसमें अंदर बाहर हर और से जुड़ चुकी हूँ तो मैं इसलिए आज आपको भगवान का अर्थ भी बताऊंगी कर्म कैसे करना चाहिए हमारा धर्म क्या होना चाहिए और आधुनिक युग में उनका साथ लेते हुए आगे अपनी परंपराओं को कैसे रखना चाहिए तो सो हम लोग हमेशा अपने बच्चों को बताते हैं कि पढ़ाई जितनी ज़रूरी है उतने संस्कार भी बहुत ज़रूरी है और आज वर्तमान स्थिति में इन सब चीज़ों की जरूरत जो है बहुत ज़्यादा देखी जा रही है लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मैम एक स्पिरिचुअल जो गुरु बोलते हैं उसका होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको सही ज्ञान नहीं मिलेगा तो शायद आप अपने मार्ग से भटक सकते हैं सही बात है तो स्पिरिचुअल गुरु जो होता है वो सबसे पहले तो हमारा पहला गुरु जो हम बोलते हैं माँ तो हर घर में स्त्रियाँ जितनी भी सुशिक्षित हो जाए आज के आधुनिक युग में माँ को ये चाहिए कि अपने घर का वातावरण इस सजो के रखे अपने बच्चों को हम भारतीय मूल के हैं सनातनी हैं तो हर घर में जब एक वातावरण यहाँ पे हम खुद बनाएंगे तो हमारे बच्चे अपने आप इसे आत्मसात करेंगे तो घर का वातावरण सबसे पहला गुरु होता है माँ की शिक्षा पिता का वहाँ पे सम्मान होना बाकी हमारे बड़े बुजुर्गों का वहाँ आदर होना तो बच्चे ये घर से ही सीखते हैं तो हमारा मूल जो है जड़ वो मजबूत होना चाहिए जी तो हमारे घरों में ही हर स्त्री को चाहिए आज हम स्त्री होने का मान पाते हैं वुमेंस डे मनाते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है बिल्कुल हमें समाज में ही नहीं तो घर में घर से शुरुआत करके एक समाज को परिपक्व जड़ से अपने मजबूत ऐसा एक पौधा बाहर देना चाहिए हमारे जो बच्चे हैं वो समाज में जाके अपनी परंपराओं के साथ विश्व विजय करें क्या बात है मैम मैं इसी बात पे पूछना चाहूँगी कि आप अपना गुरु किसे मानती है जी मेरा गुरु तो नेचर है सबसे बड़ी चीज मुझे प्रकृति ने जो ज्ञान दिया है मेरे गुरु ने जो ज्ञान दिया है मेरे माता पिता ने जो ज्ञान दिया है मैं उनसे बड़ा गुरु और किसी को नहीं मेरे प्रभु मेरे कान्हा मेरे गुरुदेव ये सब मेरे साथ हैं और यही मेरे गुरु हैं क्या बात है दोस्तों लोगों को आध्यात्मिकता का सही ज्ञान वर्तमान स्थिति में एक्चुअल में पता ही नहीं है जिसकी वजह से उनका जीवन और भी मुश्किल बनता जा रहा है तो मैम मैं, मैं पूछना चाहूंगी कि इसके लिए सही तरीका क्या है आप अपनी सोच बताइए मेरे सोच में हमें उस वातावरण में नियमित तौर पे एक कनेक्शन बनाना चाहिए जी जो हमें अध्यात्म का मार्ग दिखाए तो हमारे यहाँ ही वेद है पुराण है हमारे महाकाव्य है तो मैंने जैसे पहले बताया आपको कि हम घरों से ही ये शिक्षा प्राप्त करते हैं और रही जो हमारी समाज में हम जब स्कूल कॉलेजेस जाते हैं तो एक अध्यात्म का सब्जेक्ट वहाँ होना चाहिए जो हमारा मूल है तो यहाँ से हम जुड़ जाते हैं तो हर किसी को इसका महत्व पता चलता है क्योंकि हमारे उपनिषद जो हमारे भारतीय सनातनी महर्षियों ने हमें बताए हैं उसका ज्ञान ही हमें नहीं मिलेगा तो हम अध्यात्म को कैसे जानेंगे तो हमारी एक शिक्षा प्रणाली भी एक इस तरीके से हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए जो बच्चों को वेद सिखाए पुराणों की महत्ता बताए हमारे महाकाव्य इसे कार्टून करके शो ना करे क्या है? ये हमारी परंपरा के खिलाफ है जी मतलब एक्चुअल में बच्चों को आध्यात्मिकता का जो ज्ञान है वो सही व्यक्ति से भी मिलना जरूरी है जरूरी जैसे आज आप समाज में एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं एक स्त्री होने के साथ ही साथ आप अपने घर परिवार और समाज को भी लेके चल रही है ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ बात है मैम रही बात हमने स्त्री की तो वर्तमान युग में भी आज ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं जो बाहर काम करने से घबराती है मे भी हो सकता है इसका रीजन बाहर का माहौल हो वातावरण हो तो ऐसी स्त्रियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी ऐसे स्त्रियों को तो सबसे पहले तो अपने अंदर का विश्वास जगाने का मैं राय दूंगी क्योंकि कोई भी स्त्री जन्मजात बलवान ही होती है स्त्री में ही वो शक्ति होती है बाकी किसी में शक्ति नहीं होती उसको जानना केवल अंदर अपने आप का जो विल पावर है <laughs> वो बढ़ाना है उसको समाज में जब वो जाते हैं तो अपना मान सम्मान लेके जाना चाहिए इसकी प्रैक्टिस उसको घर से ही करना चाहिए कि उसे किस तरीके से बाहर जाकर के अपने पोजीशन को बरकरार रखने के लिए कैसे सामना करना है वो हमें अपना मान सम्मान खुद अपने हाथ में ही रखना चाहिए कि ना कि उसको बहक के टूटे इसके लिए मैंने एक बीच में वीडियो बनाया था <laughs> उसकी लाइन बोलना जी, बिल्कुल शक्ति है शक्ति है नारी है तू कर सम्मान अपने आप का ना तू डर ना तू बहक ना तू मचल रख सम्मान अपने आप का शक्ति है शक्ति है तू क्या बात है मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अगर स्त्री खुद कॉन्फिडेंट रहे उस चीज के लिए तो उसे कोई भी हिला नहीं सकता है आपको खुद पहले सक्षम बनना पड़ेगा और उसके बाद एक हर इंसान को मौका मिलता है मौके का फायदा हर व्यक्ति ने उठाना चाहिए लेकिन अपने आप को पूरा कंट्रोल में रखकर अपनी मर्यादा रखना चाहिए दिया है शरीर आपको दिया है दिमाग आपको इसलिए नहीं दिया कि इसको बाहर जाके आप शो आउट करो बिल्कुल एक भारतीय नारी अगर कहीं समाज में जाती है तो उसका हाथ जोड़ना एक सम्मान्य होता है ना कि हमें बाहरी वातावरण में हलो हाय करके बोलना चाहिए क्योंकि ये हमारी परंपरा नहीं है हम अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाए ना कि दूसरे की परंपराओं को आगे बढ़ा के हम उसमें बिखर जाएं तो ना तो कोई ऐसे केसेस होंगे जब हम अपना सम्मान अपने हाथ में रखेंगे ना तो कोई हमें टुकड़े करेगा ना कोई हमें बेपर्दा करेगा ये तो सोच अपनी है कि हमें कैसे जीना है समाज में पर फिर भी मैम आजकल की जो लोग हैं यूथ है स्पेशली वो बाहर की टेक्नोलॉजी को ज्यादा ज्यादा अपना के वो अपने आप को मॉडल प्रिटेंड करते हैं तो जर, क्या जरूरी है कि बाहर के ही लोगों से टेक्निकल बिल्कुल ले नहीं।, नहीं हमारे यहाँ तो इतने शास्त्र हैं इतने ऋषि मुनियों ने इतने विशेषज्ञ ने यही कूट कूट के भरे हैं कि हमें बाहर की तो जरूरत ही नहीं हम खुद ही अपना संसाधन जो कुछ भी है यहीं पे डेवलप करके यहीं पे दे सकते हैं तो हमारे अंदर ही हर बच्चा साइंटिस्ट है हर बच्चा क्वालिटी लेके पैदा होता है क्योंकि हमारा सनातनी धर्म उसको पैदा ही ऐसा करता है बस उसको निखारने के लिए हमें वैसे गुरु की आवश्यकता होती है हमें समाज में उस हिसाब से ढलने के लिए वैसा हमको वातावरण की ज़रूरत है तो मुझे नहीं लगता कि हमें बाहरी और से कुछ लेने की ज़रूरत है हमारे अंदर ही तो इतने सारे सनातनीय नियम धर्म इतना हमने बोला कि लोग हमें फॉलो कर रहे हैं बड़े दुख की बात है कि रशिया जैसी कंट्री में ऑल ओवर सब जगह प्रचार इतना ज्यादा है हरे कृष्णा हरे राम ये सारी चीजें वहां पे ज्यादा देखने को मिलती है बाहरी लोग इसे आत्मसात कर रहे हैं और हम उनका फुहड़पन यूज कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमें अपनी चीजों को छोड़ना चाहिए हमारा मूल हम कितना भी कोशिश कर ले उनके जैसा बनने की हम नहीं बन सकते क्योंकि हमारा ब्रीडिंग ही है ना वो जी आप आप समझ रहे हैं कि हम हिंदू हैं हम सनातनी हैं हम भारत से हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो मूल है हमारी जड़े हमारे रक्त में बह रही है हम चाह के भी वैसा नहीं बाहर जाएंगे तो पहचान भी हम अपनी भारत के ही वासी बताएंगे ना हम तो ये नहीं बोलेगे कि हम अमेरिका के वासी है बिल्कुल या हमारे एंसेस्टर जो थे वो अमेरिका से ही तो हमारा मूल जो है हम उसे पहचाने तो हमारे अंदर कुट कुट के महर्षियों की क्वालिटीज भरी हुई है हम खुद ही वैज्ञानिक है हमें जरूरत ही नहीं है कि हम बाहर के लोगों को कर हमारे अंदर देखो अभी कितने लोगों ने कितने बच्चों ने आई वालों ने बच्चों ने खुद ही देशी उपकरण को इतना बाहरी तौर पर एक स्थान दिया है तो ऐसे बच्चे हैं हमें उनका वैल्यू करना चाहिए हमारे समाज ने हमारे पॉलिटिशियंस लोगों ने हमारे जो बड़े वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने उनका सम्मान करना चाहिए जो कर रहे हैं आज आज मोदी जी ने जो कार्य छेड़ा है वो अतुलित है ये आ, मैं उनको धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हिंदू धर्म के लिए इतना योगदान दे रहे हैं वो कि घर घर अयोध्या की जय जयकार करवा रहे जी बिल्कुल ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों एक तरफ जहां हमारी दुनिया आधुनिक हो रही है और टेक्नोलॉजी में प्रगति के साथ ही आगे बढ़ रही है ऐसे में लोगों के जीवन में स्ट्रेस टेंशन भी बढ़ रहा है दुनिया भर में कई सदियों पुरानी प्रथा और तकनीकों का पालन आज भी किया जा रहा है और जिसमें से एक है रेकी मैम मैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक्चुअल में ये रेकी जो है हमें सिर्फ इतना पता है कि एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है लेकिन ये किस तरह से कार्य करती है देखिए रेकी का मतलब होता है लाइफ फोर्स यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी जो हमारे अंदर भी है बाहर भी है ये हमें नेचर से मिलती है जी इसकी एक साधना होती है इक्कीस दिन की जो हमें नेचुरल तरीके से के बाद हमें मिलती है एक प्रोसेस है ये हिलिंग पावर है जो साधारण व्यक्ति भी इसको सीख सकता है और खुद का स्ट्रेस क्या हर चीज अप्रोच कर सकता है ये रेकी से चाहे वो वेल्थ का हो ये चार कैटेगरीज में आपको ये दिलाती है आपका सेटिस्फैक्शन इसमें होता है ये फिजिकल स्पिरिचुअल एंड इमोशनल लेवल पे रेकी काम करती है जो आपको हेल्थ एंड वेल्थ दोनों देती है जी तो मैम अभी आपने रेकी के बारे में बताया हमें अब इसी से रिलेटेड है हीलिंग इसकी स्टडी कैसे करें जैसे कि कुल मिलाकर कहा जाए तो जीवन में संतुलन और हीलिंग को बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा जो है टेंशन इमोशनल भावनाओं को रिलीज करने में रेकी हमें मदद करती है exactly. तो आप किस टाइप से जो है अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो आप उसे किस तरह से स्टडी करवाती हैं जी तो रेकी के लिए जब कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो हुँ. मैं उनको सबसे पहले तो उनका प्रॉब्लम पूछ के उसकी स्टडी करती हूँ कि इसको किस लेवल पे मुझे वर्क करना है हुँ. उस पर्सन को उस क्लाइंट को उसके बाद में उसको ट्रीट करती हूँ करने की जरूरत है, हाँ है।, तो है, है जिसके थ्रू हम लोग रेकी का उन पर इलाज करते, हिलिंग करते हैं जी बहुत ही अच्छी जानकारी दी मैम आपने रेकी की हीलिंग की अब जो सबसे बड़ा आज का हमारा सवाल है जो दर्शक हमारे जानना चाहते हैं आपसे तो दोस्तों योग शास्त्र में मेडिटेशन को एक अभ्यास के तौर पर माना जाता है जिसका रोजाना अभ्यास आपकी सेहत को बेहतर बनाने में विशेष लाभदायक होता है माना जाता है कि रोजाना मेडिटेशन का अभ्यास करना हमारे जीवन में पॉजिटिविटी जो है उसको बढ़ावा देता है साथ ही संपूर्ण स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करता है तो मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या है मेडिटेशन करना चाहिए ये हर कोई बताता है yes. लेकिन एक्चुअल में इसका सही तरीका क्या होता है देखिए पहले तो मेडिटेशन क्या है ये लोगों को समझ में आना बिल्कुल, बिल्कुल. बहुत जरूरी है क्योंकि हर कोई जानता है मेडिटेशन बोले तो ध्यान लगा लो अंदर ऐसे लंबी सांसें लो लंबी छोड़ो यानी वो जो ब्रीदिंग का है आना और जाना उसको ध्यान लगाओ और धीरे धीरे उसमें खो जाओ तो मेडिटेशन सबसे पहले तो इसके पांच प्रकार के मेडिटेशन होते हैं चाहे आप इसको किस तरीके से जिसको जो मेडिटेशन में आनंद आता है मेडिटेशन का मतलब ही होता है कि पीस शांति जिस चीज से हमको शांति मिलती है जिससे हमको हमारी एनर्जी का इम्प्रूवमेंट होता है जो एक चीज हमारा स्ट्रेस लेवल है वो पूरी तरीके से चला जाता है तो मेडिटेशन की आज के युद्ध को और हमें जो बुजुर्ग हैं हमारे उनको और हर किसी को ज़रूरत है मेडिटेशन की वो 24 घंटे में एक जो आवर है आधा घंटा हो एक घंटा जिसको जिस तरीके का टाइम जब मिलता है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा तो मेडिटेशन जो होता है मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है जी कि ब्रह्म मुहूर्त में जो कॉस्मिक एनर्जी हमको मिलती है उस समय अगर हम मेडिटेशन करें तो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है एक अलग ही कॉस्मिक एनर्जी से हमारा ग्लो भी बढ़ता है और हमें लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता मेडिटेशन करने वाला इंसान यानी बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेता ये आप देखते होंगे कि वो किस तरह आसानी से सब कुछ अपना हैंडल करते चला जाता है और कहते हैं ना कि मॉर्निंग में जो लोग जल्दी उठते हैं तो उनमें बहुत ही ज्यादा फुर्ताई बहुत एक्टिवनेस दिखाई देता है एनर्जी और नेचर का एनर्जी होता है शारीर उसमें तो प्लस पॉइंट मिल जाता है उसको दोस्तों इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो आप भी जाना चाहेंगे काउंसलिंग दरअसल हम सभी जानते हैं कि काउंसलिंग जो है वो एक टॉकिंग थेरेपी है जिसमें ट्रेन थेरेपिस्ट लोगों की बातें सुनने के बाद उनकी भावनात्मक चीज़ों को समझकर उसे कम करने में मदद करता है लेकिन आज मैम मैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज हमारे लेडीज हो या जेंट्स हो या फिर यूथ इनके लिए काउंसलिंग कितना ज़रूरी है आज के दौर में जहाँ हम ए भागा दौड़ की जो जिंदगी है उसमें काउंसलिंग तो बहुत जरूरी है क्योंकि कई निर्णय ऐसे हो जाते हैं बच्चों के जो बाद में वो पछता के बहुत ज्यादा तरीके से मेंटली वो डिप्रेस हो जाते हैं तो और कई घरों में हमने देखा है वुमेन्स के हाल हम देख रहे हैं हम कितने भी आगे बढ़ जाए हमारी घरेलू जो हिंसा है वो उसका तो कहना ही क्या है वो हर लेडीज़ चाहे वो कितने भी आगे बढ़ जाए उसका एक अलग ही तरीके से चाहे वो टॉकिंग में हो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से उसको टॉर्चर तो होती ही है वो कहीं पे भी चौबीस घंटे में ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ पे वो ऐसा फेस नहीं कर पाती मुझे नहीं लगता कि इस दौरान वो जो फील करती है उस समय अगर उसका सही काउंसलिंग हो जाए तो वो सुसाइड जैसे चीज़ों से बाहर आ सकती है तो आज काउंसलिंग की इतनी ज़रूरत है वर्किंग वुमेन्स को अपने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो स्टडी करते हैं उनको तो इतना प्रेशर कर दिया है इतना कंपटीशन वर्ड है कि वो बच्चे भी अगर उतना उनको सही मायने में जो अपेक्षा पेरेंट्स की है या फिर स्कूल वालों की है वो नहीं कर पाए तो वो भी गलत निर्णय ले लेते ले हैं अपनी लाइफ के साथ तो काउंसलिंग तो हर जगह चाहिए हर फील्ड में चाहिए काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको एक सही मार्ग दिखाने वाला आपके साथ अगर खड़ा है तो आप कई ऐसे चीज़ों से आप बच सकते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए जी बिल्कुल मैम मैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप स्पिरिचुअल स्पीकर भी हैं काउंसलर भी है रेकी रेकिस्ट भी है स्पेशल में आ, महारत हासिल की है इसके अलावा आप जो हैं इतने सारे वर्क जो करती हैं वो कैसे हैंडल करती है हमने सुना है काउंसलर होना जो है वो मामूली बात नहीं है आपको हर टाइप के, के लोग लो जो है, हैं हाँ और अपना माइंड जो है आपको बहुत पेशेंस के साथ वर्क करना पड़ता है तो इतने सारे वर्क को आप हैंडल कैसे करती है बस यही तो एनर्जी है ना जिस एनर्जी को मैं लोगों को दे रही हूँ तो सबसे पहले वो तो मुझे हासिल है इसलिए मैं मैनेज कर पाती हूँ जी बिल्कुल दोस्तों इनबीसी की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित है रितु सिंह चौहान लेते हैं छोटा सा ब्रेक मिलता है ब्रेक के बाद मुलाकात में फिर से आप सभी का स्वागत है हम बात कर रहे थे रेकी मेडिटेशन काउंसलिंग की दोस्तों मैं आपसे मैम से, से पूछना चाहूंगी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के भविष्य और छात्रों को खुद के भविष्य ये दो चीजें अलग अलग हैं हाँ हम पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे जो हैं खुद अपना भविष्य तलाशते हैं करियर निर्माण को लेकर बहुत चिंता में रहते हैं तो ऐसे में चिंता से बाहर निकालने के लिए करियर को सबसे पहले तो मैं बच्चों को जहां वो है जैसे जो बच्चे अपना टेंथ से लेके ट्वेल्थ तक अभी जो पढ़ रहे हैं उनको करियर के लिए प्रेशर डालते हैं तो मेरा ये बोलना है कि पहले क्लियर तो करिए आप आपको समझ में आएगा आप कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा कर रहे हैं स्कोर तो वहां से आपको मार्ग मिलता है आप पहले से डिसाइड कर लोगे और वो चीज ना कर पाओ तो फिर वो गलत है आप जहाँ हो अभी शुरुआत आपकी टेंथ है तो आप टेंथ में कॉन्सेंट्रेट करिए उसके बाद में जो आपका स्पेशलाइजेशन होगा जो सब्जेक्ट में आप अच्छे निपुण होके आओगे तो आप वहां पे अपना करियर बना सकते हो चॉइस इज योर न टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है जब तक आप अपने सब्जेक्ट को खुद नहीं पहचानोगे कि मुझे क्या कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो तुम अभी से डिसाइड करके उसमें प्रेशर लेके जरूरत नहीं है पहले आप जो कर रहे हो उसमें कॉन्सेंट्रेट करो करियर अपने आप इसमें बनता चल जाए क्योंकि आप जान जाओगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है जब तक आप खुद नहीं पहचानोगे कि आप इकोनॉमिक्स में बेस्ट हो कि मैथ्स में बेस्ट हो कि आप साइंस में बेस्ट हो तो ये चूज़ करने के लिए आपको पहले वो स्टडी करना पड़ेगा और पहले से ही आपने अगर मुझे इंजीनियरिंग करना है और आप मैथ्स नहीं कर पाए साइंस नहीं कर पाए तो यहाँ डिसअपॉइंट होते हो ना mm -hmm. तो पहले आप फोकस करो स्टडी में कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में कैसा आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग उसका कर आपका कितना समझ में आ रहा है जो चीज आप कर सकते हो उसको आप चूज करो जी जी फिर भी जैसे अभी बात हमने स्टूडेंट्स की किया कि उन्हें करियर के लिए काउंसलिंग की जरूरत होती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को धर्म के बारे में भी ज्ञान जो है वो होना जरूरी है। है। बहुत जरूरी है। <laughs> कहते हैं कि जब जिंदगी में व्यक्ति संकटों से गिर जाता है तभी उसे भगवान की याद आती है आज पाश्चात्य जीवन शैली के चलते व्यक्ति का उससे उसका धर्म जो है वो छूट गया है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि धर्म क्या है और उसमें कितनी शक्ति है धर्म सबसे बड़ा स्वयं में शक्ति है धर्म का अर्थ होता है धारण करने योग्य जो धर्म है जो धारण किया जाता है व्यक्तिगत हर एक व्यक्ति का अपना धर्म होता है वो कैटेगराइज उसकी अलग अलग आप किस तरीके से करोगे यहाँ हम इंडिया में देख रहे हैं धर्म समुदाय है, अनेकों है हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए चलता है धर्म क्या होता है सदाचार होता है धर्म क्या होता है हमें क्या सिखाता है सदाचारी रहना <laughs> तो धर्म धारण करने इस समय के अनुसार हमें धर्म का पालन करना चाहिए मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू धर्म का पालन करूंगी ऐसे हमारे धर्म अलग अलग रूपों में है <laughs> तो हरेक व्यक्ति धर्म स्वयं निर्माण करता है कि हमें क्या करना चाहिए हमारे साथ जो इंडिक होते हैं हादसे होते हैं उस समय हमें हमारा कर्तव्य क्या है हमें परोपकारी रहना चाहिए सदाचारी रहना चाहिए हमारा धर्म सिखाता है इसके लिए एक एक छोटी सी कहानी मैं आपको शेयर करना ऋषि थे वो स्नान कर रहे थे गंगा में तो गंगा में स्नान करते उन्होंने देखा कि एक बिच्छू वो डूब रहा है अच्छा तो वो सोचते हैं कि अरे यार ये तो नदी के बहाव में चला जाएगा ये मर जाएगा इससे मैं किनारे से लगा दे तो उन्होंने उसको पकड़ने की चेष्टा की तो उसने डंक मार दिया तो ये बिच्छू का स्वभाव है जी पर ऋषि का स्वभाव ये था कि नहीं बचाना। उसको बचाना चाहिए तो ये हमें क्या समझाता है वो डंक मारते गया पर ऋषि जब तक वो किनारे से नहीं लेके आए तब तक उन्होंने उसकी सहायता कर तो ये ऋषि का स्वभाव था वो परोप कि जब वो नहीं अपना स्वभाव छोड़ रहा है डंक मारना तो मैं अपना सदाचार की तो धर्म व्यक्ति के स्वभाव से बनता है कि हम किस तरीके से अपने आप को धर्म का पालन करने के लिए संयमित करें तो बारे? आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति उसके अंदर उसके संस्कारों से धर्म आता है तो हमारे जो नियम चले आए हैं हमारे अंदर जो बताए गए हैं हमारे घरों में हमारे धार्मिक वातावरण कितना भी हम कृषि प्रधान हमारा देश है यहाँ पे हमने कितनी सारी सनातनी हमारी संस्कृति को हम लेके चलते हैं हर एक धर्म समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं प्रत्येक जन एक दूसरे से प्यार हमें प्यार सिखाता है हमारा मनुष्य योनि है हमको हमारा धर्म ही मानवता है यही धर्म है तो धर्म का अर्थ होता है जो धारण करने जो अच्छा चीज हो जी। जो हमें अच्छा सिखाए जो हमें अच्छा करने को मजबूर करे या हमें कर्तव्य सिखाए अपना कि हम अच्छे कर्म करें वो धर्म जी धारण करने योग्य जहाँ धर्म।, धर्म और कर्म की बात हो जाए तो वहाँ मनुष्य भी झुक जाता है मनुष्य जैसा कर्म करता है हमने सुना है वैसे ही फल होता है तो आपके हिसाब से कर्म कैसे करने चाहिए बहुत सही आपने ये प्रश्न पूछा धर्म के बाद कर्म का कर्म ही श्रेष्ठ बताया है गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने कि कर्म वो है जो हमें जीवन में अपने कर्तव्य के पालन में कभी भी विचलित ना करे क्या वो कर्म है तो हमारा कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए जो सामने वाले के लिए भी और अपने लिए भी हमारे विजय का प्रतीक बने यानी हमें सफलता दे कर्म हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए जिस कर्म से हम अपनी भी भलाई करें और दूसरों को भी साथ लेके चले अच्छा चीज सिखाए ना कि दूसरा अगर कुछ गलत कार्य कर रहा है तो हम उसको प्रोत्साहन दे के अपने कर्म में भी उसको उसका बोले कि नहीं तू अच्छा कर रहा है उसका भी बिगड़ा और अपना भी तो हमने भी पतन का रास्ता अपना लिया उसको गलत ने बता के और वो तो है ही है गलत तो ये कर्म नहीं है जी कर्म आपके श्रेष्ठ होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसे अपने कर्मों के द्वारा सही लेके आना नहीं। नहीं, कर्म ऐसे होना चाहिए कि आप उसे भी अपने अच्छे कर्मों को उसका उसका उजागर कर दे जो उसका बेसिक स्वभाव है मनुष्य का बेसिक स्वभाव जो है वो अच्छा है आत्मा का स्वरूप ही आनंद है तो हम इस बेसिक चीज से ही भटके हुए हैं और अपने कर्म समाज में जैसे जैसे लोगों की गतिविधियां हमारा काम क्या होता है जैसे अभी हम लोग स्वभाव कैसा होता है हमारा आनंदित स्वभाव है जी लेकिन हम संगत ऐसी कर लेते हैं कि वैसे हम उसमें डूबते चले जाते हैं अगर कोई हमको बोल रहा है कि यहाँ तू गड्ढा खोद तो हम ये नहीं सोचेंगे कि गड्ढा खोदे कि नहीं खोदे तो मनुष्य के स्वभाव को हम स्वयं ही चेंज uh, करते, करते रहते हैं हाँ, हाँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमको पता है कि यहाँ गड्ढा है तो हमें उसको बुझाना है कि उसको और खोदना है ये हमारे ऊपर तो डिपेंड करता है हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए जो हमारे साथ साथ दूसरों का भी अच्छा करे बिल्कुल मनुष्य के यदि सुख शांति पाना है तो अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और बुरे काम करने से बचना चाहिए ये बहुत ही अच्छी बात मैम ने कहा है मैम मेरा आखिरी सवाल रेकी द्वारा स्पिरिचुअल स्पीकर द्वारा काउंसलर द्वारा लोगों को खुद को हील कैसे करें हमारे दर्शकों जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि इन सारी चीज़ों का एक शॉर्ट में ब्यौरा आप हमारे दर्शकों के लिए पेश करें जी मैं प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद कर रही हूँ यहाँ से आप सभी का शुक्रिया मुझे सुनने के लिए रेकी जो है ये सभी ने सीखना चाहिए हर घर में रेकी हीलिंग जो है वो हर एक व्यक्ति ने सीखना चाहिए इसका बहुत बड़ा महत्व है ये नेचुरल पावर है जो हमारे बायोकेमिकल बॉडी में ये नेचर से आती है तो इसकी साधना है अगर आप लोगों को रेकी सीखना है तो मुझे संपर्क करे मैम आपको नंबर बताएगी और दूसरा जो ऐसा आपको स्पिरिचुअल पावर जो है ये रेकी से आसानी से मिल जाता है इसकी साधना आप समझिए मेडिटेशन कैसा करना है सुबह कैसे उठ के अपने आप को कैसे हील करना है ये सब प्रोसेस एक स्टडी है इसे सीखनी पड़ती है तब पर ये सब सीख जाते हैं इसको एक टाइम पीरियड लगता है बताए गए स्टेप्स अगर प्रॉपर आप लोग करेंगे तो निसंदेह आप रेकी आसानी से सीख जाएंगे जी क्या बात है दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा जो खास मुलाकात है इस कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में हमारी जो स्पेशल गेस्ट मौजूद थी रितु सिंह चौहान जो स्पिरिचुअल स्पीकर हैं हैं काउंसलर हैं बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई तो बताई है साथ ही साथ बच्चों पेरेंट्स और स्त्रियों को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए आध्यात्मिकता हमारे जीवन में कितना इम्पॉर्टेंस रखती है मेडिटेशन कितना ज़रूरी है बहुत सारी चीज़ हैं जो उनके बारे में हमें जानकारी दी है उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद हुआ आया होगा और ऋतु सिंह मैम के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और इनकी जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर जाकर इनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं इन बी सी न्यूज़ की खास मुलाकात में मैम एक बार फिर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू दोस्तों अगर आप किसी और विषय पर जानना चाहते हैं तो आप हमें अपने सुझाव जो हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं अगली खास मुलाकात इस कार्यक्रम में हम फिर एक नए विषय को लेकर उपस्थित रहेंगे तब तक के लिए आप देखते रहिए इनविसे न्यूज नमस्कार